हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सो गाइस, आज हम लोग चलते हैं काबी कम्बोई सदेश, जहाँ पे तंबेश्वर महादेव का मंदिर है। तंबेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पे बीच भी है। आज हम लोग जा रहे हैं बीच देखने के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी आए हुए हैं बाहर से, तो उन लोगों को लेके हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस, आज ले जा रहे हैं दोनों गाड़ी। आज डस्टर भी जाएगी और हमारी थार भी जाएगी। सो गाइस, अभी मैंने ले लिया है डस्टर और थार आ रही है मेरे पीछे। थार ले ली है जानकी ने, तो आगे से मैं वो थार ले लूँगा और डस्टर हमारी दे देंगे हमारे जीजा जी को। तो चलो अभी चलते हैं भाई के घर पर जीजा जी को पिकअप करने के लिए। तो गाइस देखो, हमारी थार आगे चल रही है और हमारी डस्टर पीछे पीछे है। तो गाइज, आ गए हम लोग भाई के फ्लैट में। आप देख सकते हो यहाँ चल रहा है एक नया ब्लॉग। बच्चे लोग आ गए हैं, ये देखो जीजा जी बैठ गए गाड़ी के अंदर, दीदी यहाँ खड़ी हुई हैं। ये देखो, ये काजल आ गई, देखो सूख के ये लकड़ी हो गई है। तो गाइज आ गए सब लोग, चलो निकलते हैं काबी कम्बोई जाने के लिए। चलो चलो, बैठो बैठो फटाफट, चलो चलो भाई। हम लोग बैठ गए हमारी थार में, अब हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। अब हम लोग आपको मिलते हैं काबी कम्बोई पहुँच कर। गाइस देखो, ये गाड़ी पे क्या लिखा हुआ है, राजा हो या भिखारी सबको है पैसे की बीमारी। ओ गाइस देखो देखो, गाइस देखो, ये देखो मोर आ गया गाइस गाड़ी के आगे। आप देख सकते हो, ये है तंबकेश्वर महादेव मंदिर का, ये मंदिर ही है गाइस ये। और ये गाइस, ये मंदिर समुन्द्र के अंदर है। सो देखो, हम लोग पहुंच गए तंबकेश्वर महादेव मंदिर गाइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सामने है समुन्द्र। अभी मैं आपको, पहले हम लोग चलते हैं दर्शन करने, फिर उसके बाद मैं आपको समुन्द्र दिखाता हूँ। तो अभी देखो, पहले जा रहे हैं अभी हम लोग दर्शन करने के लिए। पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर ना समुद्र दिखाएंगे। अभी मैं आपको बाहर से पहले मंदिर का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो, ये है गैस मंदिर। अब वहाँ से देखो समुद्र, कितनी तेज पानी आ रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। देखो गैस, पानी बहुत फास्ट आ रहा है। अब इसमें ज़्यादा पानी आएगा तो ये मंदिर, ये जो शिवलिंग है वो ये पानी के अंदर डूब जाता है। सो आप देख सकते हो, ये ऐसा कुछ रास्ता बना रखा है मंदिर में जाने के लिए। यहाँ पे समुंदर शाम को ही आता है, दिन में नहीं आता। अभी मैं आपको पूरा सब डिटेल्स में भी दिखाता हूँ, अब बताता भी हूँ। So guys, अभी दर्शन वर्शन हो गए मस्त। चलो अभी चलते हैं, अभी मैं आपको समुंदर दिखाता हूँ, दरिया, अभी बीच का मजा लेंगे। देखो भाई, प्रियांशी और ध्रुव यहाँ है। ये देखो मुस्कान और काजल भी यहाँ पे हैं। सो गाइस, अभी ले लेते हैं पहले प्रसाद, उसके बाद बड़ौदा जाने के लिए निकलेंगे। देखो
कुछ इस तरीके का प्रसाद मिलता है यहाँ पर, ये मिल के कैसा है। देख सकते हो आप, एकता हलवा सेंटर है ये। इनका हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा है, अगर आप कभी भी आते हो तो यहाँ से हलवा ले सकते हो। बाजू में ये भैया भी हैं शिव शक्ति वाले, मतलब समथिंग टेस्ट तो सेम ही है, आप कहीं से भी ले सकते हो। तो गाइज अभी देखो मंगा लिए हमने चाय, मैं और जीजा जी पियेंगे चाय। तो गाइज देखो ट्रिप का मजा लिया जा रहा है, और ये देखो ये बैठी है काजल, वो देखो वो बैठी है प्रीति, ये दो बने अभी। गाइस देखो सब बैठे हुए हैं। मम्मी क्या खा रही हो आप? पापड़ी का लोट, नींबू पानी। हाँ आप क्या पी रही हो मम्मा? नींबू पानी। आप क्या पी रही हो? नींबू पानी खत्म भी कर दिया। ना दीदी आप क्या पी रही हो? गन्ने का जूस। और पापा यहाँ पे बैठे हैं। तो आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग फिर दोबारा से मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, देखो गाइस पूरा मंदिर डूब चुका है अभी, अब पूरे मंदिर के ऊपर पानी पानी आ चुका है। काफ़ी अच्छा प्लेस है ये, आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पर। अभी देखो मैं आपको मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ, देखो समुंदर भी दिखाता हूँ कि मंदिर के कितने नज़दीक से आ चुका है। ये गाइस देखो आप समुंदर देखो, और मेन तो क्या है देखो गाइस ये यहाँ तक आ चुका है, आप देख सकते हो इसको समुंदर को, यहाँ तक आ चुका है गाइस। ये देखो मंदिर तक पानी ऊपर तक आ चुका है अभी मंदिर गाइस, ये मंदिर पूरा डूब चुका है पानी के अंदर। जहाँ हम लोगों ने आरती करने के लिए खड़े थे वो हिस्सा पूरा डूब चुका है अभी, शिवलिंग पूरा भोलेनाथ भगवान का। तो गाइस काफ़ी अच्छा प्लेस है, आप लोग आ सकते हो, बड़ौदा से भी काफ़ी नज़दीक पड़ता है ये। इसका नाम है काबी कम्बोई, बड़ौदा से समथिंग 85 किलोमीटर की समथिंग दूरी पर ही है, पर काफ़ी अच्छा प्लेस है, नज़दीक है। अगर जिसको समुंदर का एंजॉय लेना है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना है, तो वो यहाँ आ सकता है, नज़दीक में ही है समुंदर और मंदिर भी साथ साथ में ही है दोनों। सो गाइज आप देख सकते हो, देखो अभी हम लोगों ने यहाँ, ये तो काफ़ी ऊँचा है, अभी हम लोगों ने वहाँ देखो वो पूरा पानी आ चुका है, शिवलिंग पूरा नीचे है। अभी हम लोगों ने वो बीच में जो ये ग्रिल दिख रही है आगे वाली, इसके अंदर नीचे उतर के अभी हम लोगों ने आरती की थी भगवान की। अभी इस समय आप देख सकते हो पूरा गाइस ये पानी से फुल हो चुका है, देखो ये पूरा समुंदर, ये समुंदर का पूरा पानी, भोलेनाथ भगवान की शिवलिंग अभी अंदर जा चुकी है। तो आप देख सकते हो गाइस भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पूरी अंदर जा चुकी है, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वो काफ़ी हाइट है, तो अभी पूरी शिवलिंग अंदर है। देखो गाइस वो पूरा दिख रहा होगा आपको, वो पूरी शिवलिंग थी वो नीचे जा चुकी है पानी के अंदर। सो गाइस देख सकते हो आप, प्रियांशी और ध्रुव ले रहे हैं समुंदर के अंदर एंजॉय। ये देखो मम्मी भी वहाँ पर भी पहुँच चुकी हैं। गाइस देखो नज़ारा भी कितना प्यारा है, कितना मस्त, अभी सनसेट होने वाला है। ये देखो गाइस जी अभी बच गई फिसलते फिसलते, बहुत चिकनी मिट्टी हो गई है पानी में। देखो गाइस कितना नजदीक आ चुका है समुंदर, हम लोग भी आए हुए हैं, बहुत प्यारा प्लेस है। देखो गाइस टैनो ले रही है एंजॉय समुंदर के अंदर, पानी का खारा पानी है। गाइस देख सकते हो एक हमारा दूसरा थॉर भी यहाँ आ चुका है, ये शायद अभी नहाने आया हुआ है। देखो आप पीछे का व्यूज देख सकते हो गाइस, कितना एंजॉय भरा व्यूज है पीछे का। देखो मेरी बांजी भी खड़ी है पीछे, फुल एंजॉयमेंट प्लेस है गाइस, आप लोग आ सकते हो, काफी एंजॉय वाली जगह है ये। सो गाइस काफी एंजॉयफुल वाली जगह है, देख सकते हो आप लोग, आओ यहाँ पर, बहुत ही मजा आ रहा है, इतनी पब्लिक है यहाँ पे, बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत नजदीक भी है। तो गाइस काफ़ी सारा एंजॉय किया आज यहाँ काबी कम्बोई में, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर आके। आप लोग भी आओ, अगर गुजरात बड़ौदा से नज़दीक हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा गाइस। तो और अगर एक वन डे पिकनिक मनाना हो तो बहुत अच्छा प्लेस है ये।
तो गाइज इस ब्लॉग का करते हैं हम लोग एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।